कर्नाटक में विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने अपना मैनिफेस्टो जारी किया है, जिसमें उन्होंने अपनी सरकार बनने पर प्रदेश में बजरंग दल को बैन करने की बात कही है। अब कांग्रेस के इस मैनिफेस्टो को लेकर पूरे देश में बीजेपी और बजरंग दल समेत कई हिंदू संगठनों में आक्रोश है। जगह जगह बीजेपी और बजरंग दल के कार्यकर्ता कांग्रेस मुख्यालय पर धावा बोलकर वहां हंगामा कर रहे हैं। देहरादून में बजरंग दल के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने घंटाघर से कांग्रेस मुख्यालय तक मार्च निकाला, कांग्रेस मुख्यालय का घेराव किया, जिसके जवाब में कांग्रेसी कार्यकर्ता भी नारेबाजी करने के लिए बजरंग दल कार्यालय के सामने ऐश हॉल पर एकत्रित हो गए। दोनों तरफ से जमकर नारेबाजी होने लगी। बजरंग दल के प्रांतीय मंत्री विकास वर्मा ने कहा कि देश हित में काम करने वाले संगठन को आरोपित करने का दुष्कर्म कांग्रेस पार्टी ने किया है। कांग्रेस ने सिमी PFI जैसे आतंकवादी संगठनों को पनाह देने का काम समय समय पर किया है। आगे की कांग्रेस भी हिंदू जागो तो, आगे की कांग्रेस भी हिंदू जागो तो, आगे की कांग्रेस भी हिंदू जागो तो, आगे की कांग्रेस भी हिंदू जागो तो। कांग्रेस नेत्री गरिमा दसोनी ने कहा कि यह कल का आया हुआ संगठन 132 साल पुरानी कांग्रेस पार्टी को आग दिखाने की कोशिश कर रहा है। ये लोग तब कहां थे जब अंकिता भंडारी हत्याकांड हुआ था, किरण नेगी के लिए सड़कों पर आंदोलन चल रहा था, यह हमें ललकारने हमारे कार्यालय आए हैं, तो हम इन्हें बताना चाहते हैं कि हम कांग्रेसियों ने कोई चूड़िया नहीं पहन रखी है, हम भी ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। ये भाड़े के टट्टू 135 साल पुरानी पार्टी को ललकारने आए हैं, ये हमारे कार्यालय पर हमको धमकी देने आए हैं, ये है पुष्कर धामीराज, ये है धामीराज। कल इन्होंने 7 बजे से सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट डालनी शुरू कर दी थी। कहां सो रहा था पुलिस प्रशासन, कहां था LIU, कहां सो रहा था पूरा पुष्कर धामी का तंत्र। 7 बजे के स्क्रीनशॉट मेरे पास है जिसमें ये ललकार रहे कांग्रेसियों को, उनको नेस्त नाबूद करने की बात कर रहे हैं, उनको उनके ताबूत पे कील ठोकने की बात कर रहे हैं, उनका अस्तित्व समाप्त करने की बात करते हैं। ये कल की आई हुई पार्टी, ये बजरंग दल के लोग अपने को बजरंग बली का पर्यायवाची समझते हैं। मध्य प्रदेश की महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के उद्देश्य से संवेदनशील मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना का उपहार सभी पात्र महिलाओं को दिया गया है। इसके तहत उन्हें प्रतिमाह 1,000 रूपए दिए जाएंगे, ये राशि सीधे उनके बैंक खातों में पहुंचाई जाएगी। योजना की प्रक्रिया बेहद सरल और निशुल्क है। योजना से जुड़ने के लिए बहनों को कहीं भटकने की आवश्यकता भी नहीं है। 10 जून को पहली किस्त बहनों के खाते में आ जाएगी, 1,000 रूपया की पहली किस्त। योजना से जुड़ी अधिक जानकारी हेल्पलाइन नंबर 07552700800 एवं वेबसाइट cmlaadlibehna.mp.gov.in पर प्राप्त की जा सकती है। बढ़ चलो लाडली बहना। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण, हम करते हैं सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।